हेलो फ्रेंड्स, मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट के नाम से मतलब एलपी एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि इस मेमोरी टेस्ट में ऐसा क्या है कि हम कहीं इसमें फेल हो जाएं, ये या साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारा नहीं निकलेगा, ये बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम मेमोरी टेस्ट के ही एक टाइप पर बात करेंगे, पिक्चर नंबर रिलेशन, और इस रिलेशन को हमें कितने अच्छे तरीके से और कितने मतलब एक्यूरेसी के साथ हम याद करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप एक्चुअल में देखो कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ आज हम प्रैक्टिस करेंगे टाइमर के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, और आज हमारी क्लास है 39 नंबर की। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे पिक्चर नंबर रिलेशन पर टाइमर के साथ। तो फ्रेंड्स, पहले आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। डेफिनेटली वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मिनट का टाइम होगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 21 होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब क्वेश्चन को डबल कर दिया जाए तो टाइम भी डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नया पैटर्न है, इस बार ऑनलाइन पेपर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बुक्स से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस आपको जो करनी है वो ऑनलाइन करनी है। मैं टेस्ट सीरीज़ देख रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ जो सी ढंग की आएगी टेस्ट सीरीज़, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उस टेस्ट सीरीज़ से लगाना, आप तभी एक्चुअल प्रैक्टिस के साथ में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बुक से पढ़ने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे कि बुक से पढ़ के हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने, मेन खेल है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, एक हल्का सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे कि मान लो एक जैसे बॉल होगी और बॉल के आगे मान लो नंबर कुछ होगा, जैसे 22, या पता चला कि एक यहाँ पे लड़का है और इसके आगे नंबर है मान लो 34, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अभी ये इस टाइप से आपके पास 21 चीज़ें दी होंगी, 21 क्वेश्चंस होंगे, आपके पास टाइम होगा कितना, 3 मिनट। तो 3 मिनट में आपको इन्हें याद करना है। अभी मैं टाइमर चलाऊंगा तो वहाँ पे भी आपको इन्हें याद करना है और अगले 3 मिनट में आपको करना है। तो फ्रेंड्स, अब आंसर में क्या होगा, आंसर में आपको कैसे करना होगा कि फिर से वहाँ पर एक बॉल बन के आएगी और उसके आगे नंबर लिखा होगा, जैसे ए में 23, बी में 22 और सी में जैसे कि मान लो इसका 34 यहाँ पे लिखा होगा, या मान लो यहाँ पे कोई एक और चीज़ बनी है, ये ऐसी आकृति बनी है और इसके आगे नंबर मान लो 28 है, तो वो भी 28 यहाँ पे होगा। इस टाइप से ऑप्शन होंगे, तो आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे जो बॉल थी उसके आगे क्या नंबर है। तो फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे ट्रिक से बात करेंगे इसमें, इसके बाद आप लोग पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको इन 21 क्वेश्चन में से आप मोर देन 15 क्वेश्चन आप 100% अटैम्प्ट करेंगे, इतना मेरा दावा है। तो इस क्वेश्चन को सीरियसली अटेम्प्ट करिए। क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन 3 मिनट आएगा, उसके बाद में तुरंत उसके जस्ट 3 मिनट के बाद आपको सॉल्व करने के लिए 3 मिनट टाइम चलने लगेगा, तो आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में मैं मिलता हूँ, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या स्कोर किया है और फिर समझने की कोशिश करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेल आइकन को दबा दें, इससे जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, इससे आप। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे इस चीज़ पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे कर लिए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो मतलब 42% लाना तो बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 30% मार्क्स ऐड होंगे, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें तो आपका सिलेक्शन उतना ही आसान होगा। और फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि 8 गुने लोगों को सिलेक्शन होगा, और यहाँ पे ये आप समझ लें कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के करीब भी हैं, और आप CBT 2B में अगर पास हैं तो फ्रेंड्स आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट में कॉल आ जाएगा, और आप अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के 90% से ज़्यादा चांस हो जाते हैं, अगर आप कितने भी कम मार्क्स आएँ। लेकिन फ्रेंड्स, हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, क्योंकि 30% ऐड होंगे तो मेरिट लिस्ट में ऊपर पहुँचें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो हम कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मैं बात ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें करना यह है कि नंबर जो सिमिलर हों उन पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, और कुछ अगर नंबर हमारे मतलब रिलेट हो जाएं तो हमें उन्हें रिलेट करना है, ठीक है। अभी देखो वीडियो में बने रहिए, आपको समझ आएगा। हो सकता है आपने दूसरे तरीके से रिलेट किया हो, आपका भी तरीका बिल्कुल सही होगा। तो जो अगर रिलेट हो जाए, टाइम हमारे पास 3 मिनट है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, एक चाबी है और चाबी के आगे लिखा है 37, तो यहाँ पर 37 चाबी से क्या रिलेट हो सकती है कोई अच्छा सा, मतलब इसमें अगर आपका रिलेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डायरेक्टली याद कर लेंगे कि चाबी के आगे 37 है और जो सिलाई मशीन है इसके आगे 31 है। तो फ्रेंड्स, सिलाई मशीन और इनका 31 हम याद कर लिया, 37 31, और देखना अभी बहुत सी चीज़ें रिलेट अच्छी सी हो जाएंगी, वो हम अच्छे से रिलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये है चाय का कप, गर्म गर्म चाय निकल रही है, ऐसे ऐसे तीन देखो ये लाइनें निकल रही हैं, मतलब तो यहाँ पे सीधे सीधे हमने कह दिया 33, तो ऐसे रिलेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो चीज़ें रिलेट हो जाती हैं उन्हें रिलेट करना, क्योंकि 3 मिनट का टाइम होगा फ्रेंड्स। देखो ऐसा भी नहीं है कि हम ट्रिक के चक्कर में पड़े रहें और हम वहाँ पे गलत कर दें, तो मैं बिल्कुल आपको गुमराह नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं वो आप लोगों को यही क्लास पढ़ाने के लिए 1-1 घंटे लेते हैं, हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको एक्चुअल फीलिंग के साथ में टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ताकि आपके साथ में कोई दिक्कत ना हो। टाइम पास यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, एक भी शब्द मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ जो आपके हित में ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी मुझे नॉलेज है मैं अपने हिसाब से अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये सरदार वाला जो खंडा है इसको हमने 45 से रिलेट कर लिया, ठीक है, कि हमने मान लिया कि इनका 45 सरदार लोगों का 45 नंबर क्या होता है, लकी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक युवती दी है और ये 27 है, तो हमने मान लिया कि 27 साल की एक लड़की है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स एक दीपक दिया गया है जो हम दीपावली पे जलाते हैं, तो हमने मान लिया कि जैसे 51 रुपये होते हैं वो मतलब शगुन में दिए जाते हैं, तो हमने मान लिया कि दीपावली पे 51 रुपये का शगुन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कार, कार के आगे 66 है, लेकिन फ्रेंड्स एक कार और है जहाँ 67 है, तो हम यहाँ पर दोनों में देख लेंगे। ये तो खैर हम बाद में यहाँ पर पहुँचेंगे, तो पहली बार में हम ये कार देखेंगे तो हम देखेंगे चलो 66, ठीक है। तो 66 देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक आगे ये मिरर है, दो मिरर, तीन मिरर, और तीन पहिए हमें दिख रहे हैं, तो 6 हो गए, तो 6 दो बार हो गया तो 66 हो गया, ठीक है। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि जब यहाँ पे पहुँचेंगे एक 67 आएगा, तो हमें फिर यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि दोनों कार ऐसी हैं, तो हम इसमें से ऐसा देख लेंगे जो लग्जरी कार है वो 66 है और जो थोड़ी सी मतलब ओल्ड वर्जन है ये 67 है। इतनी चीज़ें यहाँ पे हम गलती कर देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती होने का मतलब हमारे 2 क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे, हम इसका इसमें लगा देंगे, इसका इसमें लगा देंगे। तो जो चीज़ें अंक जहाँ पे ज़्यादा सिमिलर हो वहाँ पे हमें थोड़ी सावधानी बरतनी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, एक डंकी है, और डंकी में फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि डंकी के क्या हैं, 4 पैर हैं, तो 4 पैर को इधर उठा लो, और 4 पैर और 2 कान को जब मिला दोगे तो इधर हो जाएगा, तो मतलब डंकी हो गया 64, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक चांद के अंदर यहाँ पे एक कोई जानवर है, तो एक चांद हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, और मतलब एक इसमें अगर प्लस कर दें तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, तो इसको हमने रिलेट कर लिया कि 23। इतना जल्दी हम नहीं भूलेंगे अंक, इतना तो मेमोरी सबके पास होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर मान लिया हमने कि ये मान लिया कि हमने एक गुरु जी हैं, और ऐसा मान लो सिखों की गुरु जी हैं और सिखों के ये 10वें गुरु जी हैं, ठीक है, इतना चीज़ें हमने मान ली कि 10वें गुरु हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि साइकिल, साइकिल पे एक लड़का है, तो हमने देख लिया कि 5 9, तो 5 प्लस 9 अगर फ्रेंड्स करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हमने ऐसा मान लिया कि 14 साल की एज में हमने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है। इसके बाद नीचे फूल है, तो फूल में क्या है, 8 और 5 13। हमने ऐसा मान लिया कि हम जब 13 साल के थे बचपन में, तो हमने किसी को प्रपोज़ किया था, तो हमने उसे फूल दिया था। अब ध्यान रखना आपको कि 14 में साइकिल सीखी थी, 13 में प्रपोज़ किया था, ठीक है। कैसी भी आपके लिंक हो सकते हैं, बशर्ते आपको 3 मिनट में याद करना है और 3 मिनट में क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 घोड़े हैं, घोड़सवार घोड़े ले जा रहे हैं, यहाँ 56 है, तो 56 को घोड़े से कैसे रिलेट कर लें। फ्रेंड देखो, जैसे 26 जनवरी होती है, 26 जनवरी को परेड होती है, वहाँ घोड़े ओड़े आते हैं बहुत, तो 26 से 56 को रिलेट कर लोगे, हाँ 26 56, ठीक है, ऐसे रिलेट हो गया। यहाँ पे क्या है, एक दुर्गा जी की मूर्ति है, तो यहाँ पे क्या है, इनको हमने रिलेट कर लिया कि सीधे सीधे 75, मतलब 75 नंबर जो एकदम 25 से कट जाता है 3 टाइम्स, तो हमने इन्हें रिलेट कर लिया कि सीधा सीधा 75 हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ कप्पे हमने बताए कि ये 3 लाइनें हैं, तो हमने 3 3 कर लिया। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ है, तो पहाड़ सीधे सीधे नंबर 1, ये रिलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो हमें याद रहेगा क्योंकि यूनिक नंबर है यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ये रॉड जैसी है और यहाँ पे 82 है, तो इसको हम डायरेक्टली चलो याद कर लेते हैं कि ये 82 है, यहाँ पे क्रॉस सा है, एक रॉड सी, 82, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि मोटरसाइकिल, तो हमने कार देखी थी 66 और 67 थी, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल आ गई, वो कम है, वो है कितनी, 60, ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखना है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि जैसे दुर्गा जी की मूर्ति देखी थी वो 75 थी, और यहाँ पे ये दिवाली पे डेकोरेशन में लगाते हैं, तो उससे थोड़ा सा कम, 71 है, ठीक है फ्रेंड्स, 4 कम है, ये 71 है, वो 75 थी, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन में सिमिलरिटी होगी, 71 है तो 74 भी वहाँ दिया होगा, 66 दिया होगा, ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएं। ये ओल्ड वाली कार थी तो 67 था इसका, नई वाली मतलब जो लेटेस्ट वर्जन थी उसका 66 था। यहाँ पे क्या है, लड्डू हैं, लड्डुओं को हमने ऐसा मान लिया कि 17 लड्डू हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या है, ये एरोप्लेन है, तो हमने ये मान लिया कि हमारी 28 साल की एज पे जॉब लग गई, 28 साल की एज पे लगी, इतना ध्यान रखना, 28 साल की एज पे जॉब लगी और हमने लिया एरोप्लेन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्वेश्चंस याद हो गए, 3 मिनट में इतना तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, 3 ही मिनट लगा होगा हम लोगों को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं कि हम कैसे हमें करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इधर से ही स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपने आंसर्स मैच करें। देखो ये चाय वाला कप था, ये 3 थे, तो 3 में ये 33 हो जाएगा फ्रेंड्स, याद है हमें। ये वाला डायरेक्ट हमने कहा था कि ये छड़ी है और यहाँ पे ये क्रॉस है, क्या था फ्रेंड्स, 82 था इसका, ये भी ध्यान है। इसके बाद में हमने फ्रेंड्स ये देखा था कि ये चांद है और ये एक एनिमल है, तो ये 2 चीज़ें हैं, एक ऐड कर दो तो 23 इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, डी 23, ठीक है फ्रेंड्स। सिलाई मशीन दूसरे नंबर पे ही हमने देखी थी कि इसमें दूसरे नंबर पे सिलाई मशीन हमने देखी थी, तो सिलाई मशीन में फ्रेंड्स क्या था कि 31 था, ठीक है फ्रेंड्स। जो चीज़ें हमें मतलब नहीं लिंक हो पाएगा हम उन्हें डायरेक्ट याद कर लेंगे, एक नेगेटिव मार्किंग है नहीं फ्रेंड्स, तो एक आध क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दीपक, दीपक बताया था कि सगुन दीपावली पे जलता है, तो दीपावली पे सगुन में 51 रुपये मिले हमें, तो हमारा आंसर हो गया 51। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, साइकिल, साइकिल कितने पे सीखी थी और प्रपोज़ कितने पे किया था, अगर आपको ध्यान हो तो फ्रेंड्स, तो आपने मतलब साइकिल सीखी थी 14 साल की एज में, तो 5 और 9 14, और प्रपोज़ किया था 13 पे, ध्यान रखना भी आगे आएगा। चलिए इधर वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो सबसे पहले डिस्कस किया था कि सरदार लोगों का लकी नंबर होता है 45, और ये क्या है, पर्वत है नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, एक मतलब युवती है, तो इसकी एज क्या बताई थी, 27 साल की है। उसके बाद लड्डू कितने थे फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा 17 लड्डू थे हमारे पास। इसके बाद फ्रेंड्स चाबी, सबसे पहले नंबर पे हमने चाबी देखी थी, चाबी में क्या था, 37। तो मतलब जिनका लिंक नहीं बन पाएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो उसमें, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें अच्छा स्कोर कर देंगे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये 10वें गुरुजी थे, इतना भी हमें ध्यान है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब लास्ट के देख लेते हैं इस वाले पेज के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि हमने प्लेन 28 साल की एज पे जॉब लगने पे लिया था, ये 26 जनवरी पे घोड़े थे, तो 26 का 56 हो जाएगा, लेकिन 46 से कन्फ्यूज मत होना फ्रेंड्स, यहाँ पे 56 आंसर होगा। मोटरसाइकिल फ्रेंड्स 66 और 67 था, तो इसका क्या था, 60 था, ध्यान होगा, सस्ती थी। इसके बाद फ्रेंड्स वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे आ गई कार, तो कार में क्या था फ्रेंड्स, कार में हमने 66 था और 67 था, लेकिन ये देख लो कि ये कार कैसी है फ्रेंड्स,
मतलब इसके नीचे वाली देख लो तो इसके नीचे वाली एकदम पुरानी सी लग रही है और ऊपर वाली नई सी है। तो नई वाली कार में क्या था फ्रेंड, 66 था, और पुरानी वाली में क्या था फ्रेंड, 67 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो गए, बाकी के हमने ऊपर कर लिए। चलो नीचे से देख लेते, चलो यहाँ से देख लेते हैं। 18 नंबर पे ये दिवाली पे लगाते थे तो बताया था कि दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उनका 71 था तो इनका 75 था उनका, इनका 71 हो गया। और फ्रेंड्स क्या 19 नंबर पे हमने क्या किया था कि मतलब प्रपोज किया था, तो मतलब प्रपोज कितनी 13 साल की उम्र में किया था, तो 13 में कौन सा होगा, ये 8 5 13 इसका हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं दुर्गा जी सीधे सीधे क्या था 75 जो 25 से कट जा रहा था, और यहाँ पे ये डंकी है, डंकी में क्या 4 पैर थे 2 कान थे, तो 64 किधर क्या, ये रहा 64। तो फ्रेंड्स बड़ी आसानी से क्वेश्चंस हो गए होंगे, तो मतलब ऐसा है कि फ्रेंड्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप बुक से देख के कितनी भी देर पढ़ लें, उन्हें कितने भी सेट लगा लें, कोई मतलब नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया। जैसे कि आपने अभी स्कोर अगर किए होंगे 21 में से अगर आपने 15 के ऊपर स्कोर किए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है, हमें मतलब हम इसमें पास हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही पर्सनली मतलब सजेशन दूंगा कि मतलब इसे लाइटली नहीं लेना, रिजल्ट बहुत ज़्यादा पुअर रहता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, तो मतलब थोड़ा सीरियसली लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, क्योंकि उससे मुझे मतलब आप लोगों का फीडबैक मिलता है, तो मैं आगे प्रैक्टिस सेट उसी हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग किस मतलब टाइप के क्वेश्चंस में अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस में कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और खुश रहें फ्रेंड्स।